नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियो आपका अनुपात समानुपात को लेकर बन चुका है, यह मेरा तीसरा है। चलिए हम लोग देखते हैं, शोभा तथा संतोष की मासिक आय का अनुपात 4:3 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 150 रुपये हो तो शोभा की मासिक आय ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पर शोभा और संतोष है, दोनों की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। ये दोनों का मासिक आय का अनुपात है। मासिक आय का अनुपात अर्थात शोभा की आय 4:1 हुआ और संतोष की आय 3:1 हुआ। अब हम जो बचत करते हैं, यहां पर बचत 150 रुपये कर रहा है, इसमें से बचत 150 किया, इस बचत को हम यदि निकाल दें तो जो शेष बचेगा वह क्या होगा, खर्चा कहलाएगा। क्या होगा, खर्चा। मान लीजिए आपने 500 रुपये कमाया और इसे 50 रुपये बचत किया, अपने पास बचा पाया, तो खर्चा कितना हो गया आपका, 450 रुपये होगा ना। तो इसी तरह से यहां पर भी हमको सेट करना है दोस्तों। क्या करना है कि इसको ये 4:1 है शोभा की आय, इसमें 150 रुपया इसने बचाया और संतोष की आय है 3:1, इसने भी 150 रुपये बचाया, तो इसके ये दोनों जो बचाया निकाल देंगे पूरा इनकम में, तो जो बचा वह उसका खर्चा हो जाएगा। फिर से देखिए, आपने 20,000 रुपया कमाया एक महीना में और उसमें से 2,000 रुपया बचा पाया, तो खर्चा आपने कितना कर दिया, 18,000 रुपये। तो यहाँ बचत को निकाल देंगे, निकालना मतलब घटाना, जब निकाल देंगे तो ये मेरा खर्च का अनुपात हो जाएगा। तो ये खर्च, चूंकि हम बटा में लिखे थे, खर्च का अनुपात हो गया। देखिए एकदम सीधा सा बन गया। अब इसको क्रॉस गुना करिए, 4 × 3 = 12, ये माइनस 1 × 15 = 45 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ये माइनस ये हो गया। अब मैं बताया हूँ हमेशा कि एक जैसों को एक तरफ लाना है। इसमें ये देखिए पीछे छिपा हुआ है, यहाँ पर भी ये छिपा हुआ है, तो ये दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों दोस्त को इधर हम ले आएंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो इसके आगे प्लस है, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस पहले से इधर हो गया, प्लस 450। इसको हल करिए, 12 में 15 घटाएं तो 3 ये बचा और ये हो गया 450 में 750 घटाए तो 300 मेरा बच्चा। 1:1 निकला, 1:100, 1:1 कितना निकला, 100। अब प्रश्न पर चलिए, शोभा की मासिक आय हमको ज्ञात करना है। किसका मासिक आय, शोभा का। तो शोभा का मासिक आय पहले वाला है यानी 4:1 हुआ शोभा की मासिक आय। 1:100 तो 4 × 4 = 100 = 400 रुपये, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में दोस्तों केवल यह समझना है कि जो कुल आमदनी है, मेरा जो कुल आमदनी है, इस कुल आमदनी से जो बचत होता है उसको घटा देंगे तो जो बचा वह खर्चा कहलाएगा। यही ट्रिक्स है, इसी पर यह काम आपको करना है। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है,
प्रत्येक संख्या में 44 देने पर जोड़ देने पर अनुपात 11:13 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले हमको संख्या निकालना पड़ेगा, तब हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। संख्या निकालने के लिए जो अनुपात दिया है उसमें हम प्रत्येक में 44 जोड़ेंगे, जो कह रहा है उसको करेंगे। तो दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, दोनों का अनुपात हो गया 7:9। इसमें भी 44 को जोड़िए और इसमें भी 44 को जोड़िए। जोड़ने के बाद अनुपात 11:13 होता है, अनुपात मतलब बट्टा 11:13 हो गया। अब इसी को हल करना है, आंसर आपके हाथों में। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 और 7 को मल्टीप्लाई करिए, 44 और 13 को मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये जो हम क्रॉस गुना करते हैं, यह दोनों में गुना होता है। इससे पहले गुना करके यहाँ लिखा और ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखा, इससे फिर गुना करके यहाँ पर और ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखा। अब मैं बताया हूँ कि इसमें दोस्त और दुश्मन को ढूंढना है, तो 91A और 99A दोनों में ये लगा है, ये दोस्त का पहचान हो गया। तो ये दोनों दोस्त को एक तरफ ले आइए, 91A ये प्लस है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ छिपा हुआ है प्लस, इधर आ गया माइनस में। और ये दोनों दुश्मन है एक जैसा, यानी ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो 484 ये प्लस है, इधर माइनस हो गया। 91 में 99 घटाइए, 8 ये बचा माइनस में। 484 में 572 घटाइए, 88 बचा माइनस में, माइनस माइनस कट गया। 1:1 बराबर हुआ 88, यहाँ गुना तिधर भागा 11। यानी ये दोनों है, 1 है 7 1 है 9, तो 1:11 निकला, तो 7:7:9 है। 1:11 7:7, इसको 7 से गुना करेंगे 77, और ये हो गया 99। कहता है दोनों संख्याओं का अंतर घटा दीजिए, 99 में 77 घटाइए, 22 इसका आंसर हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, देखिए दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। मिश्रण में 11 लीटर और पानी, इसमें देखिए इसमें जोड़ा जा रहा है 11 लीटर पानी को। अब जब जोड़ते हैं तो उसका अनुपात बदल जाता है, अब दूध और पानी का अनुपात 8:9 हो जाता है। इसमें यहाँ पर जिसमें मिलाने कहेगा उसी में हम मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए मिश्रण में 11 लीटर और पानी मिलाने बोला, तो हम पानी में 11 लीटर और मिलाएंगे। तो इसको हम लोग गणित की विधि से लिखिए कि ये था 8:1 और ये है 7:1। दूध 8:1, पानी 7:1। हमको पानी में 11 लीटर मिलाना है, तो नीचे पानी है भागा देते हैं, यानी इसको तो ये आपका ये पानी, ये दूध हुआ ऊपर और ये पानी हुआ, तो ये 11 लीटर इसमें मिलाया है। मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 8:9 हो जाता है। अब इसी को हल करना है, तो कैसे करेंगे, बार बार वही क्रॉस गुना हमको करना पड़ेगा। 8×9=72 ये बराबर, अब देखिए इसमें एक ही था, एक गुना हुआ, यहाँ पर दो है, दो पद में गुना होगा, 87 8×56 ये और 11×8=88।
अब ये दोनों मित्र है, चूंकि इसमें भी ये लगा हुआ है, इसमें भी ये लगा हुआ है, तो दोनों को एक तरफ कर दें, इधर 88 बच गया, 12 में 6 6, यहां एक, अब ये बराबर हो गया 88/16। तो अब हम लोग देखेंगे, पहले मिश्रण में दूध की मात्रा, हमको दूध निकालना है पहले वाले मिश्रण में। तो पहले वाले मिश्रण में दूध देखिए पहले है, पहले 8:1 है, तो 8:1 दूध है, तो 1:1 बराबर हम लोग निकाल चुके हैं 88/16। अब इसको कैंसिल करिए 2 से, 44, ये 44 लीटर दूध इसमें पहले वाले मिश्रण में था, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ प्रश्न है, वह संख्या क्या है, यानी एक संख्या है, वह संख्या क्या है जिसको 38 तथा 43 में जोड़ने पर प्राप्त योगफलों का अनुपात 9:10 हो जाए। वह संख्या यानी कोई एक संख्या है, मान लीजिए कि वह संख्या x है। अब इसमें एक बार 38 जोड़ना है और फिर चूंकि अनुपात में लाना है, इसीलिए अनुपात में लिखेंगे इसको, 43 जोड़ना है। जोड़ने के बाद यह अनुपात 9:10 हो गया। अब इसी को हल करना है। हमने माना कि कोई x कोई संख्या है जिसमें 38 जोड़ा और फिर 43 जोड़ा, दोनों को जोड़ दिया, और इसको हम अनुपात में लिखने के लिए, चूंकि यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, इसलिए हमने अनुपात में लिखने के लिए एक के नीचे दूसरे को लिखा, यहाँ पर भी बट्टे में लिख दिया, अनुपात को इसी तरह लिखा जाता है। अभी इसको मल्टीप्लाई करिए इस तरह से, 10 और एक्स 10x हुआ, 10 और 38 380 हुआ। अब इसको गुना करिए, ये दोनों 9x हुआ, और 43 और 9 को गुना करना है, तो यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब देखिए, ये दोनों को एक तरफ लाएंगे, ये दोनों को एक तरफ ले जाएंगे, 10x ये प्लस है इधर जाएगा, तो 9x बराबर इधर 387, ये इसको इधर लाएंगे 380, एक्स बराबर 387 में 380 घटाइए 7 आया। यहाँ साफ है कि वह संख्या 7 है, क्योंकि और इसमें कुछ हमको पूछा ही नहीं, वह संख्या कह रहा था और मैंने वह संख्या एक्स माना है, इसलिए एक्स बराबर 7 आया, ये राइट आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, कहता है 11 आम और 7 अमरूद के मूल्य वही हैं। 11 आम मैंने एम मान लेते हैं और 7 अमरूद जी गाभा, 11 एम और 7 अमरूद का मूल्य वही है जो 5 आम 5 एम और 9 जी 9 गाभा का, ये बराबर है। इन दोनों का खरीदने में जितना पैसा लगा उतना ही इन दोनों को खरीदने में लगा। तो कहता है मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें, एक आम और एक अमरूद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सीधा सा, सबसे पहले इसको एक तरफ हम ले जाएंगे, अमरूद को अमरूद तरफ और आम को आम के तरफ, 11 एम यहाँ पर प्लस है तो माइनस में लाएंगे, और यह है 9g प्लस में है तो यह माइनस में आ जाएगा। यह हो गया 11 में 5 6m बराबर हो गया ये 2g। अब देखिए ये g को इधर ले आइए, ये यहाँ पर आएगा तो g हो गया बट्टा में, चूंकि दोनों गुना में है और यहाँ तो पहले से है, ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में। अब इसको कैंसिल करिए, एम बट्टे जी यानी एक, ये दोनों बराबर 1/3 आया।
आगे देखते हैं। हाँ बोलिए। हाँ रुमेम है। काहेल भेज रहे थे, क्या कहें, खाना हम बना लिए हैं।